بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اختة من لساني يفقه قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين ثم آمين اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم آج إن شاء الله ہم اپنے عثمانية خلافت کے topic کو continue کریں گے हम तकरीबन बिल्कुल آخر, آخر के जो सुल्तान हैं जो खलफा हैं उन तक पहुंच चुके हैं आज हम जिक्र करेंगे महमूद दोम का महमूद सकिन अब्दुल मजीद वन अब्दुल अजीज़ और मुराद फाइव का ये वैसे तो हमने शुरू के तो काफ़ी तफसील से जिक्र किए थे शुरू के खलफा का और फिर दरमियान में थोड़ा सा हमने तो इस तेज़ी के साथ गुजरे थे लेकिन अब जो हालात आ रहे हैं वो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनको समझना क्योंकि जिस तरह मैं मुसलसल पिछले सेशन में कहता रहा हूँ कि अगर हमने ये वाकयात और हालात और सिचुएशन नहीं समझी तो फिर हमें आ, जो है वर्ल्ड वॉर वन के आ, आ, जो अजायम थे पूरी दुनिया के वो समझ में नहीं आएंगे बल्कि फिर इवन के अजीम दोम की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और फिर आज के जो हालात हैं आज का जो जो बैलेंस या डिसबैलेंस पूरी दुनिया में है ताकत का वो हमें समझ में नहीं आएगा तो इस वजह से मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ यू नो you know, ट्राई टू पे अटेंशन ऑन डिटेल्स क्योंकि अब हम उस दौर से गुजरने वाले हैं कि जहाँ पे असल यूरोप का रोल है लेकिन चूँकिस्मानिया खिलाफत का ताल्लुक भी यूरोप से ही है यूरोप के कुछ ममालिक में उसने अपना अपनी उसकी हदें थी और स्पेशली इस्तांबुल विच इसतिया या कॉन्स्टेंटीनोपोल uh, तो खिलाफ स्मानियाँ छः सौ चौबीस साल रही हम सब इसको नक्शों को सबको देख चुके हैं लास्ट टाइम हमने सलीम सोम सलीम दर्ड किया था तो उसकी अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रे, रिफ्रेश करने के लिए मैं ये नक्शे दिखा दूँ जो तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाए थे हमने नपोलियन के बारे में जिक्र किया था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो किस तरह से उसने पूरे यूरोप के ऊपर उसके असर थे और किस तरह से वो ऑटोमन अम्पायर के लिए साबित हुए ये नपोलियन का राउट है जिस राउट से वो आया था और उसने हमला किया था फिर हमने ज़िक्र किया था मुस्तफा फोर का जिसका सिर्फ एक साल ही उसका रेन रहा और जो है सलीम को जब एक्सिक्यूट कर, गय, कर दिया गया था तो ये नया क्याल जानिस जैन, की तरफ से जैन की तरफ से आ गया था उसने सिर्फ एक साल हुकूमत की थी और फिर हमने देखा था कि रशियंस फ्रेंच पीछे पोलैंड और इन तमाम मुमालिक में किस तरह से पावर का बैलेंस चल रहा था और इस्लाम उस्मानिया खिलाफत किस तरह से चल रही थी फिर सलीम थ्री को जब डिपोज किया था और अरेस्ट कर लिया था तो उसको दूसरे मुस्तफ़ा फोर जब आ गया था तो दूसरे लोग उसको वापस लाना चाह रहे थे लेकिन उसको कत्ल कर दिया गया था और उसमें जो कैरेक्टर था जिसने कत्ल किया था वो बरका, बरकदार बरकदार था ठीक है तो ये थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम जो हमने ज़िक्र किया था उसका जिक्र कर दिया अब जो महमूद सेकेंड सन ऑफ अब्दुल हमीद महमूद दोम इसकी हुकूमत थर्टी वन ईयर्स रही अब इसकी हुकूमत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने काफ़ी जो है वो रिफ़ॉर्म्स लेकर आने की कोशिश की असलाहत लाने की कोशिश की और कुछ में कामयाब हुआ कुछ में नहीं लेकिन ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से अस्मानिया खिलाफत अपने अपने लोवेस्ट लेवल पे पहुंची लेकिन उसकी वजूहत सारी की सारी उस्मानी खिलाफत की अपनी अंदर की अंदर के खलफशार नहीं थे बल्कि बाहर से जो एग्रेशन हो रही थी उनके खिलाफ उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था तो हमने देखा कि जब महमूद सेकंड ने जो टेक ओवर किया तो जो बरकेदार पाशा था जो जिसने जो है जिस जिस जिसको जो है उस महमूद टू को फिर फाइनल लेकर आया था तो वो जितने उसके दुश्मन थे उनसे रिवेंज लेने की कोशिश की उसने और जिन लोगों ने सलीम थ्री को कत्ल खत, खत, किया था उनके ख़िलाफ़ उसने अपना एक मिशन बना लिया तो जान में जो कमांडर्स थे उनको उसने बहुत से लोगों को कत्ल किया आ, आ, लेकिन ये कि फिर उसको जान वालों ने इवेंचुअली उसको ख़ुद ही कत्ल कर दिया और वो चाहते थे कि मुस्तफ़ा को दोबारा लेकर आए बट लेकिन जब उन्हें ये यक़ीन हो गया कि वो उसको भी मार दिया गया जेल के अंदर तो फिर उन्होंने महमूद सेकंड क्योंकि सिर्फ एक वाहिद एयर रह गया था यानी कि वाहिद शाही खानदान का उस वक्त चश्मो चराग था जो के सुल्तान बन सकता था तो दोनों फोर्स ने रिलकटेंटली बादल नाख्वास्ता उस, वो उसको लेकर आ गया अच्छा लेकिन वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल रखते रहे और महमूद जो था वो सिर्फ एक पपेट की तरह कुछ साल बिल्कुल गुजारता रहा जब तक कि जैन की वो ताकत जो थी वो थोड़ी कम ना हो गई अच्छा अब हम देखते हैं रशिया की तरफ 1806 में 1806 में जार एलेक् जो था वो वह रशिया जो है वो अलेक्जेंडर का नाम था और नेपोलियन जो था वो फ्रांस का था तो अब इन लोगों ने जिस तरह हमने पहले देखा कि फ्रांस जो है वो ऊपर से तो तुर्की की या यास्मानिया खिलाफत की सपोर्ट कर रहा था लेकिन अंदर से वो वो भी खिलाफत के खिलाफ था और रशिया के साथ मुसलसल पावर गेम चल रही थी खिलाफत के कभी उनके साथ ट्रीटी हो जाती थी और कभी उनके साथ लड़ाई हो जाती थी तो ये सिलसिला एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये हुआ और हम देखेंगे अभी महमूद के दौर में भी ये चीज़ें होती रहीं तो नेपोलियन और अलेक्जेंडर ने अपना एक सीक्रेट पैक बनाया और वो चाहते थे कि के, आ, उस्मान खानदान और रशियंस के साथ कोई पीस ट्रीटी हो जाए लेकिन रशियंस ने वो ट्रीटी तोड़ दी एक ट्रीटी साइन भी हुई थी लेकिन उन्होंने ट्रीटी तोड़ दी और को जो डिसीशन उसके अंदर किए गए थे जो उसके रूल्स थे उनको फॉलो नहीं किया तो फ्रांस रशिया एंड ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया भी एक पावर थी वहाँ पे आपने नक्शे में देखा होगा भी और भी दिखाऊंगा तो फ्रांस रशिया एंड ऑस्ट्रिया जो जानते वो मान ये ये चाहते थे कि जो ऑटोमन अम्पायर की लैंड है, खास तौर से यूरोप के यूरोप में जो है यानी कि इंक्लूडिंग इस्तुल लेकिन उसके अलावा जो यूरोप में जितने जहाँ जहाँ उस, उस्मानिया खिलाफत का कब्जा था उनको वो आपस में बांटने की सोच रहे थे और फिर हम आगे चल के देखेंगे कि फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इन्हीं ताकतों ने, ने मिल के जिसमें इंग्लैंड भी शामिल हो गया था फिर उन्होंने पूरी ओस्मानिया खिलाफत की लैंड को डिवाइड करने के प्लान बना लिए थे अच्छा और हर कोई जो है पुस्तनिया भी चाहता था और इस वजह से जो है वो ये तीनों ताकतें थी इन्होंने अपने अपनी बंदर बांट जिसे कहते हैं कर ली थी पेपर्स के ऊपर लेकिन जब पुस्तूतनिया का मामला आता था तो रशिया कहता था ये मेरा होगा लेकिन ये फ्रांस को और उनको शक था ऑस्ट्रिया को कि अगर रशिया वहाँ आके बैठ गया क्योंकि सबसे करीब रशिया ही से था वो आगे बैठ गया तो फिर हमारी कोई ताकत ही नहीं रहेगी क्योंकि उसकी एक बहर आई एक अहमियत है इस्तुल की तो फिर दोबारा से रशिया से जंग हो जाती है अच्छा अब दूसरी साइड पे नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया लीबिया ट्यूनिशिया अब यहाँ पे भी जो है वो आ, अब, आ, रिबेलियन शुरू हो गया और उन्होंने ऑटोमन अम्पायर से अलग होने की वो शुरू कर दी कोशिशें शुरू कर दी अब स्मानिया खिलाफत को जिस तरह मैंने अभी कहा था शुरू में कि इनको जो इंटरनल अपने इश्यूज थे वो तो इंटरनल रिबेलियंस भी हो रहे थे लेकिन इनको अब एक्सटर्नल जो फोर्सेस आ रही हैं वो रशिया ऑस्ट्रिया और आपके फ्रांस और फिर देखेंगे इंग्लैंड तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस थी और इंटरनल ये थी कि इनके जो अपने अम्पायर के अंदर इलाके थे वहाँ पे रिबेलियन शुरू हो चुके थे और ये भी जाहिर सी बात है इन्वोक किए गए थे दूसरे लोगों के थ्रू लेकिन बहरहाल वहाँ के लोग भी चूंकि इतनी बड़ी हुकूमत को अगर सुल्तान सही से अपने गवर्नर नहीं रख रहा या गवर्नर खुद ही लॉयल नहीं रहे और उन्होंने ही शोरेश शुरू कर दी तो फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हुकूमतों के लिए अच्छा मोहम्मद अली पाशा का मैंने जिक्र किया था लास्ट टाइम मोहम्मद अली पाशा अट्ठारह सौ पाँच में एटीन में उस पर इजिप्ट का बेसिकली पावर दे दी गई कि इजिप्ट का गवर्नर था लेकिन वो इजिप्ट चूंकि एक बहुत बड़ी जगह थी और बहुत ही आ, क्रिटिकल जगह पे थे नॉर्थ अफ्रीका शुरू होता है वहां से वेस्ट में और प्लस ये कि फिर उसका जो एलेगजेंड्रिया अलेक्ष, का जो पोर्ट था वो बहुत अहम था क्योंकि यूरोप से डायरेक्ट शिप्स वगैरह वहाँ आ सकते थे तो उसने 1812 में 1812 में उसने अपना बेटा भेजा जो मक्के मक्के मुकरमा और मदीना मनवरा को वापस लेने के लिए बहाबीज से इफ़ यू रिमेम्बर शेख अब्दुल वहाब जो थे वो उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था सऊद के साथ मिलके इब्ने सऊद के साथ मिलके तो अब इन्होंने अब थोड़ा सा इनकी दूसरी चीज़ें बेहतर हुई तो उन्होंने अपनी फोसेज दोबारा भेजें कि मक् मुकरमा और मदीना मनवरा को वापस लिया जाए तो 1812 में उन्होंने मदीना मनवरा को वापस ले लिया और फिर मक्का को 1814 में वापस ले लिया तो अब दोबारा से अस्मानिया खिलाफत के पास मक्के मुकरमा और मदीन मनवरा आ गया और ये एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक फतेह थी क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में ये ये था कि भाई जो मुकदस मकामा हैं उनके ऊपर जिनका कब्जा है वो उस लिहाज से उसको पावरफुल महसूस करते थे अब जो है दोनों जगहों पर जो है पीस हो गया यानी कि अमनोमान हो गया अच्छा इस दौरान अब जो है इबन सऊद का इंतकाल हो गया जब इबन सऊथ का इंतकाल हो गया तो कोई मेजर रेजिस्टेंस क्योंकि शेख अब्दुल वहाब तो खुद तो शामिल था लेकिन असल जो उसे सपोर्ट मिली थी फौजी सपोर्ट वो इबन सऊद की तरफ से मिली थी तो जब अब साउथ का इंतकाल हो गया तो जब लीडर चला जाता है तो आवाम भी जो है या उसको जो उसके साथ देने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसि मोड में नहीं रहते सो आ, तो जो है वो अबिन सऊद का इंतकाल हो गया और वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह इतनी ज्यादा इसके खिलाफ हुई नहीं इब्ने सऊद का जब इंतकाल हो गया तो उसका जो बेटा था अब्दुल्ला बिन सऊद वो लीडर बन गया वहाँ का और लेकिन वो पावर को बहुत ज्यादा देर तक रह नहीं सका रख नहीं सका मोहम्मद अली पाशा बहुत स्ट्रॉन्ग था तो उसने फिर दूसरे बेटे को अपने वही नजद की तरफ यानी जो रियाज सऊदी अरबिया का इलाका है वहाँ उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा और फिर जो है वो एक पीस ट्रीटी हुई लेकिन पीस ट्रीटी के अब्दुल्ला बिन सऊद जो है वो उसको कुस्तुनतुनिया तो भेज दिया गया जहां पे उसे फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया अच्छा अब जो है ये दूसरे रेवोल्यूशन जो हर जगह हो रहे हैं अब ग्रीक्स जो हैं यानी यूनान में वहाँ के लोग भी इंकरेज हुए कि भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन आ सकता है तो फिर हमारे यहाँ भी आ सकता है फिर अभी भी ये अंडर ऑटोमन अम्पायर थे मतलब पूरा पूरा यूनान जो है वो स्मानिया खिलाफत के अंडर था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छुप छुप के अपने विद इन इंटरनली उन्होंने उस्मानिया खलाफत के खिलाफ जाने की कोशिशें शुरू कर दी अच्छा आपको एक सिर्फ ये कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ कि 1919 में आप देखिए ये ऑस्ट्रिया हंगरी ये याद रखें ये दो नाम क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो इसी के इलाकों में जो है वर्ल्ड वॉर वन जो है वो शुरू हुई थी तो भारत 1919 में ऑस्ट्रिया हंगरी का और उसके बाद ये जो नीचे इलाके थे सारे जिसको बाज मेरे ख्याल में बाल्कन स्टेट्स भी कहते हैं लेकिन जिसमें क्रोएशिया स्लोवेनिया और जिसको पूरे इलाके को योगोस्लाविया कहते थे जब योगोस्लाविया हमें पता है कि खत्म हो गया फिर नाइनटीन में स्टिल ये योगोस्लाविया था लेकिन अब देखें इसके अंदर बहुत सारी चीजें मतलब डिटेल में आपको बताया जा रहा है क्रोशिया बोस्निया हरसुगुवीना सर्बिया मैसेडोनिया कोसोवो स्लोवेनिया ये सारे इलाके इसमें आते थे लेकिन द टाइम इन 1992 ये बाकायदा पूरा योगोस्लाविया टूट गया और टूटने के बाद फिर इसकी ये स्टेट सारी आज़ाद हो गई स्लोवेनिया क्रोइशिया बोस्निया मैसेडोनिया और बलगारिया बल्गारिया तो खैर पहले भी अलग था लेकिन बहरहाल इसमें तकरीबन छः स्टेट मेरे ख्याल में वो अलग हो गई और योगोस्लाविया खत्म हो गया तो अब ये जहन में रखें क्योंकि वर्ल्ड वॉर वारू का जो बायस वर्ल्ड वॉर वन का जो बायस बनेगा वो भी इसी कस्म की चीज़ें हैं अब यहाँ पे ये जो सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ योगोस्लाविया थी नाइनटीन में अब वो देखें कि ये किस तरह से ये जो रेड लाइन्स हैं ये सारी स्टेट्स अलग अलग हो गई थी सारी ठीक है अच्छा ये सारे नक्शे मैं आप लोगों के लिए इसलिए दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को एक जो विजुअली समझ में आए चीजें कि कैसे सारी चीजें हो रही थी अच्छा अब यहाँ पे एक माहिदा भी हुआ था जो जो ये लोग चाह रहे थे जिस तरह मैंने एक माहे का जिक्र किया था ना कि जो रशिया फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ था तो ये थोड़ा सा नक्शे के ऊपर आप लोग गौर से देखें कि जो ये ब्लू एरिया है ये डिसाइड हुआ था कि रशिया के पास चला जाएगा ये पूरा रशिया है इसका ऑलरेडी यहाँ तक इसकी थी तो ये जो आपका पूरा व, 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 वलेचिया बलगैरिया मालदिविया मालदिया ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्होंने डिसाइड किया था कि रशिया को चले जाएंगी ये जो ब्राउन बॉर्डर्स हैं ये चले जाएंगे ऑस्ट्रिया को क्योंकि ये ऑस्ट्रिया की पूरी अम्पायर थी तो इससे मिला हुआ ये था और फिर जो ग्रीन इलाका है यानी अल्बेनिया का और ये सारे ये सारे चले जाएंगे फ्रांस को तो फ्रांस भी यहाँ तक पहुंच चुका रेवोल्यूशन के बाद उसने जो उसकी स्टेट्स हैं या स्टेट लाइंस हैं वो देखें उनका असर और रसूख जो है ये पूरे जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे इसका असर और रसूख था फ्रांस का तो फ्रांस को ये एरिया दिया दिया जाएगा और उसके अलावा भी फिर बातें हो रही थी कि साइप्रस जो कि ये छोटा सा जज़ीरा है कब्रस जिसे कहते हैं और शाम और इजिप्ट तो वो भी मजीद फ्रांस को चले जाएंगे यानी चूंकि फ्रांस ऑलरेडी इजिप्ट में जाके हुकूमत करके आया हुआ है और फिर उसकी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उसकी ताकत है तकरीबन पूरे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर तो इस वजह से ये बंदर बांट थी जिसको वो लोग करना चाह रहे थे लेकिन चूंकि ये इस्तंबल दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी क्योंकि यहाँ से आपको देखें ये ब्लैक सी है ये बॉसफोरस है ये जो थोड़ा सा है जो आज भी एग्जिस्ट करता है लेकिन जिसके ऊपर ट्रीटी हुई हुई थी बॉसफोरस से जहाज आते थे फिर ये सी ऑफ मरमरा है जो एक सी उसका हिस्सा है फिर एक ये दर्र दानियाल है जिसे डॉन डा, डेलिस और समथिंग लाइक दैट कहते हैं लेकिन दर्र दानियाल है तो यहाँ से दो दर्रो से गुजरने के बाद फिर वो यहाँ पहुंचते थे विच इज मेडिटेरेनियन सी और फिर ज़्यादा है यहाँ से फिर वो निकल के ओशन में चले जाते थे तो इस वजह से ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये पैसेजेस जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रशिया का जो था ताकत थी इन सारे इलाकों में और खास तौर से ऑटोमन अम्पायर के ऊपर जो जंगे इनकी होती रही थी तो सीक्रेट पैक जो हुआ था वो बलाचिया, बल्गारिया रशिया को अल्बेनिया ग्रीस एंड कैंडिया फ्रांस को और बॉजनिया सर्बिया मैसेडोनिया ऑस्ट्रिया को जाएंगे ये इनका प्लान था लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर उनका अख्तिलाफ हुआ और उन्होंने फिलहाल ये चीज काम नहीं कर सकी और एक वेस्टर्न हिस्टोरियन ने लिखा है अपनी किताब में

रशिया ने दोबारा से ऑटोमन अम्पायर के साथ जंग शुरू कर दी और उनको ये डर था खौफ था कि फ्रांस जो है आ, वो अटैक अगर उसने पहले कर दिया तो वो ज्यादा टेरिटोरीज ले लेगा और रशियंस का हमेशा याद रखिए कि रशियंस का जो एग्रेशन होता है वो ज़्यादातर टेरिटोरियल गेन के ऊपर होता है शायद उनके पास ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त टेरीटोरी है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर टेरिटोरी देखी जाए तो रशिया के पास है उसमें से आबादी तो कम इलाकों में है लेकिन बहरहाल तो उनकी ख्वाहिश यही रही जंगे अजीम आ, वन में वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू में भी उनके जो मेन जो उनके ख्वाहिशात थी वो यही थीं कि किसी तरह से अपनी टेरिटोरीज में इजाफा किया जाए अच्छा तो रशिया और ऑटोमन अम्पायर ने फिर जब वो फ्रांस की वजह से उनको डर हुआ तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली अब ये देखिएगा कितनी दफ़ा ट्रीटी साइन हो रही है लड़ाई हो रही है ट्रीटी साइन हो रही है लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब ये कि जो भी ट्रीटीज पे साइन होती थी पीस के लिए वो ये लोग नहीं करते थे इसके अंदर कोई चीज़ छुपी हुई होती थी, थी कि फॉर द टाइम बिंग टाइम को बाय करने के लिए अब यहाँ पे सर्बिया ने भी रिबेल कर दिया और अपने यू नो मोस्ट ऑफ इट्स एरियाज में और मोहम्मद महमूद ने फिर अपनी आर्मी वहाँ पे भेजी लेकिन फिर वो लोग जो है पीस ट्रिटी के लिए तैयार हो गए 1815 सौ में नेपोलियन आ, कई जंगें हार चुका था और ये तकरीबन आप समझिए कि ये 1815 का अर्सा है जब नेपोलियन का डोमिनेंस जो है जो उसका कब्जा था पूरे यूरोप पे वो आता आहिस्ता यहाँ से कम होना शुरू हो गया और जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन के वाटरलू एक uh, जगह है जहां पे एक जंग हुई थी जो फ्रांस और दूसरे यूरोपियन एलाय थे क्योंकि अब ज़्यादातर सारे यूरोपियन दूसरे एलायस मिल गए थे कि किसी तरह से फ्रांस की जो इतनी बढ़ती हुई ताकत है ये तो पूरे यूरोप को कब्जा कर लेगा और फिर उसका जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसका प्लान ये था कि फिर वो मिडल ईस्ट को फतेह करता हुआ ईस्ट की तरफ जाएगा और फिर जो जो सेंट्रल एशिया और इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह के इलाक़े हैं तो उसके उसके अजायम तो बहुत ही बड़े थे और बहुत ही बुरे थे लेकिन बहरहाल तो जब यह ये जंग हुई तो फिर वो नेपोलियन इसमें हार गया था अच्छा आप वेस्टर्न साइड पे आ जाइए वो भी बहुत खतरनाक हालात थे जब इजिप्ट को नेपोलियन छोड़ के गया तो ममलोक जो है वहाँ याद होगा आपको एक जमाने में ममलूक की हुकूमत थी जिनको फिर ऑटोमज ने हराया था अब वो ममलूकस जब वहाँ के पाशा और ये लोग गद्दारी पे आए तो ममलूकस ने दोबारा उभरना शुरू किया और उन्होंने आके फिर महमूद की फोर्सेस को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया और जो पाशा होते थे जो वहाँ के गवर्नर समझ लीजिए तो होते थे वो वहाँ पे खराज कलेक्ट करते थे इसी तरह से पूरी उस्मानिया खिलाफत चलती थी कि जो है मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ गवर्नर होते थे वहाँ खराज ये होता है कि वहाँ की फसलें और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज या वहाँ की जो काश जो भी पैसा बनता था उसका एक ख़ास परसेंटेज होता था जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते थे और उसी से फिर पूरी हुकूमत चलती थी तो उन्होंने वो वहाँ पर गया हुआ था लीबिया अलजीरिया टूसिया भी अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर रहे थे सुल्तान महमूद ने एक नए मोहम्मद अली पाशा को आ, को इजिप्ट भेजा था जिस तरह अभी जिक्र किया और ये इसने फिर आ, उस्मानिया खिलाफत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि इसकी ताकत बहुत थी इसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी लेकिन वही वाली बात होती है कि जब भी किसी को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाए तो उसमें करप्शन फिर कहीं ना कहीं पहुंच के शुरू हो जाता है तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ब्रिटिश को अलेक्जेंड्रिया से निकाला और फिर वो ममलोक की तरफ टर्न हुआ फिर उसने ममलोक की पावर को ख़त्म किया और फिर उनको जितने ज़्यादा मार सकता था मारा और बाकी को एग्जाइल किया और फिर उस वक्त वो समझिए इजिप्ट और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल गवर्नर बन के उसने हुकूमत शुरू की तो जब वो इजिप्ट में उसके पीस चीज़ें ले आया अमन अमान ले आया तो फिर उसने अपनी एक आर्मी अपने एक बेटे के साथ दूसन पाशा के साथ के साथ उसने मदीने मनवरा और मक्के के को डील करने के लिए भेजी तुसन पाशा जो था वो उसने मदीना मनवरा फतेह कर लिया और बाद में फिर आ, आ, मक्का भी वापस हो गया जिस तरह मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में जिक्र किया इसी वक्त जो है इब्ने सऊद का इंतकाल हो गया था वहािस की पावर वीकन होने लगी थी अब अब जो है हिजाज में भी समझें कि अमन अमान हो गया था फिर 1818 में अब ये तमाम चीजें करने के बाद अब चूंकि मोहम्मद पाशा की बहुत ज्यादा मोहम्मद अली पाशा की बहुत ज्यादा पावर बढ़ चुकी थी तो 1818 में मोहम्मद अली पाशा ने अपने दूसरे बेटे के साथ इब्राहिम पाशा के साथ उसने जो है पूरे अरेबियन पेनसुला को वहाबिज से खाली करवा लिया यानी कि उनको शिकस्त दे दी और इस तरह से जो वहाजन का जो एक उस वक्त दौर दौरा उठा था वो तकरीबन डाई डाउन हो गया अच्छा अब 1830 में फ्रांस ने अब ये यूरोप की बात हो रही है यूरोप में फ्रांस ने अल्जीरिया पे अटैक किया यानी कि नॉर्थ अफ्रीका पे और उस पर कब्जा कर लिया और इजिप्ट जो था वो अभी तक अल, अली पाशा के कंट्रोल में था तो यूरोपियन पार्ट ऑफ जो ओटमान अंपायर था जिसमें बॉजनिया अल्बेनिया उसके अंदर ऑलरेडी रिबेलियंस चल रही थी ठीक थी। है महमूद सेकिन जो है तो उसने मोहम्मद अली पाशा को ये रिबेलियन कर्ब करने के लिए उसने यूनान में आ, उसको बुलाया कि तुम यहाँ क्योंकि उसने देखा था कि इसकी बहुत अच्छी पावर है तो उसने कहा यूनान की तरफ आके जो रिबेलियन हो रही है जो खुदारियां हो रही है उनको पसपा करे तो उसके बदले में उसे सीरिया यानी डमास्कस दमिश का इलाका और लीबिया ट्रिपोली का इलाका उसको दे दिया जाएगा यानी वो गवर्न करेगा अब ये डील हो गई लेकिन ये कि जब मोहम्मद अली पाशाह वहां पहुंचा आ, तो उसने जो है वो ये जंग जो है वो ऑटोमन हार गए थे तो वो एक लिहाज से वो पैक्ट पूरा तो नहीं हुआ लेकिन चूंकि सिर्फ उससे ये वादा हुआ था कि तुम अगर हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें ये इलाके दे देंगे तो मोहम्मद अली पाशा ने क्लेम कर दिया कि अब तो वो इलाके मेरे हैं तो आ, अली पाशा जो है उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा लेकिन वो बाद में वेट कर रहा था कि किस वक्त फिर वो अपना बदला ले तो अब मोहम्मद अली पाशा के दिल में सुल्तान के खिलाफ चीजें शुरू हो गई हालांकि वो बहुत लॉयल था तो किस तरह से आप देखिए उस्मानिया खिलाफत को चारों तरफ से घेरा जा रहा है इन एंड बाहर से और अंदर दोनों लिहाज से तो फिर उसने बहुत जल्द एक सिचुएशन आई के उसने फिर वहाँ पे पैलेस्टाइन पे अटैक किया और याफा पे, और याफ़ा पे पे फिर अपना जाने के बाद आगे जाके फिर उसने सीरिया यानी डोमास के ऊपर भी कब्जा कर लिया महमूद ने अपनी फोर्स भेजी और लेकिन अली पाशा जो था वो यानी कि वो करता हुआ यहाँ तक कि वो तुर्की के इलाकों में कौनिया और बुरसा कोनिया और बुरसा जो के वो इलाके थे जहाँ से मानिया खिलाफत शुरू हुई थी बुरसा से बिल्कुल वहाँ के इलाकों के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया तो अब उसका नॉर्थ अफ्रीका में भी है यूरोप में भी असर है और अब वो यहाँ पे ईस्टर्न यानी के समझिए कि के वेस्टर्न एशिया या ईस्टर्न यूरोप कह लीजिए कि वहाँ पे अब उसने कब्जे करने शुरू कर दिए अब उसके जहन में ये था कि अब मेरी जो सही ताकत आएगी जब मैं कस्तून को फतेह कर लूंगा यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को तो अब क्या हुआ कि अब सुल्तान को यह डर महसूस हुआ कि ये तो पूरे खिलाफत पे कब्जा करना चाह रहा है तो उसने फिर ब्रिटेन से कहा कि हाँ तुम हमारी हेल्प करो लेकिन ब्रिटेन ने रिफ्यूज कर लिया और फिर उसने हालांकि मुसलसल रशिया से दोस्ती और जंग चल रही थी ट्रीटी लेकिन उसने उसे फिर सुल्तान को रशिया से मदद मांगनी पड़ी अब ये सब चीजें प्लीज आप अपने जहन में सिर्फ एक लिहाज से सोचते जाइए कि इस वक्त चल क्या रहा है फिर आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों शुरू हुई और उसके बाद के हालात कैसे हुए या ये कि उस्मानिया खिलाफत का जो डिमाइस था वो किस तरह से हुआ तो रशियंस ने अपनी आर्मी भेजी और फिर नेवी भी भेजी और वो बॉसफोरस जो मैंने भी आपको पैसेज दिखाया था बॉसफोरस में पहुंच गया सी ऑफ मरमरा में जाके उन्होंने मोहम्मद अली पाशा के अटैक को यानी रोक लिया कि वहाँ पे कॉन्स्टेंटिपुल को प्रोटेक्ट किया उन्होंने अच्छा अब अब यही होता था पावर जब रशिया आगे बढ़ता था तो ये यूरोप के दूसरे मुल्क खासतौर से फ्रांस और इंग्लैंड जो है ये परेशान हो जाते थे ऑस्ट्रिया वगैरह जब ज्यादा बढ़ते थे तो ये दोनों परेशान हो जाते थे तो इस लिहाज से अब फ्रांस और इंग्लैंड परेशान हो गया कि अब रशिया ने अगर इस इलाके पे आ गया और इसने कहीं कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया या इसके जंगी बेड़े जो है सारी नेवी जो है वो बॉसफॉरस और सी ऑफ मरवरा में खड़े हुए हैं तो ये तो हम हमारी तो यू नो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होगी वहां पे तो फिर मोहम्मद अली पाशा को जब एहसास हो गया तो उसने भी एक ट्रीटी साइन कर ली फिर तो तो जब दोनों साइड ने ट्रीटी साइन कर दी तो रशियंस ने जो है महमूद से जो कि उस वक्त सुल्तान था एक और ट्रीटी साइन करवाई और उसने ये कहा कि रशियन फोर्सेस जो हैं उनके जहाज जो हैं बॉसफोरस और डार डॉनल्स डार्स ये देखें ये जो मैंने आपको दिखाया था ये सी ऑफ मरमरा है ये डारड्स का दर्रा है जहाँ से जहाजों को गुजर के फिर मेडिटेरेनियन सी में आना होता है था और इस सी ऑफ मरमरा के ऊपर जो है यहाँ पे बॉसफोरस है तो उसने कहा कि यहाँ पे जो हमारे शिप्स वगैरह जो हैं मौजूद रहेंगे या हम यहाँ पे आ जा सकते हैं और ये रशियंस को फिर एक पैसेज मिल जाता है की तरफ ये तो ये देखें ये का इलाका से शुरू होता है फिर यहाँ जा के नीचे ये ये इलाका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी है इन हम जब तुर्की के मौजूदा हालात पे जिक्र करेंगे और उन्नीस यानी ये इस कमिंग जुलाई में लुसान ट्रीटी खत्म हो रही है लुसान ट्रीटी का मेजर ताल्लुक इसी इन्हीं इलाक़ों से है कि वहाँ से कौन से जहाज गुजर सकते हैं किसके ऊपर तुर्की टैरिफ लगा सकता है टैक्स ले सकता है नहीं ले सकता तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है ये पूरी समझे वर्ल्ड हिस्ट्री का मोहम्मद अली पाशा ने ट्रीटी ब्रेक की और फिर महमूद के साथ फिर जंग में चला गया वो क्योंकि महमूद अब मोहम्मद अली पाशा समझ है वो बहुत ताकतवर हो गया तो महमूद ने एक और आर्मी भेजी ट्यूके टू तो टेक सीरिया बैक फ्रॉम अली पाशा लेकिन बहुत से कमांडर अब इसके रिबेल हो गए अब देखें क्या क्या हो रहा है इंटरनल प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और फिर इंटरनल प्रॉब्लम में भी जो इसके अपने लॉयल पाशाज थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिबेलियन कर रहे थे क्योंकि जब उन्होंने दूसरे इलाकों में देखा कि यार इसको कितनी आसानी से पूरा इजिप्ट मिल गया फला को फला एरिया मिल गया तो अब इनके जो दूसरे लोग थे गवर्नर्स थे खास तौर से यूरोप की साइड पे उन सब ने फिर अपने ही लोगों ने खद्दारियाँ शुरू कर दी थी अच्छा और इसमें जब जो इन्होंने भेजे थे फोर्सेस अपनी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लेकिन महमूद जो था वो उसका इंतकाल हो गया 1839 में आफ्टर रूलिंग 31 इयर्स तो उसने फिर ये शॉकिंग न्यूज़ उसको अभी मिली नहीं थी तो उसका इंतकाल हो गया और, और इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही यानी कि ईमानदार और मुखलस और इंसाफ पसंद रूलर था और उसने अपनी पूरी कोशिश की कि, कि किसी तरह से पूरे इलाके में अमन कायम किया जा सके लेकिन वो उसमें लोगों के रेबेलियंस लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्स और इन सब चीजों की वजह से की वजह से वो कामयाब नहीं हो सका तब तो ये सारे नक्शे हैं जिनको आप लोग इनशाला अपनी नजरों में रखें अच्छा अब ये महमूद के बिल्कुल एंड में दीरियड सेकेंड हाफ ऑफ महमूद का जो रेन था उसमें पीरियड जो है वो आ, रुक गया था और इसने तकरीबन थर्टी वन ईयर्स हुकूमत की थी ओटमान अम्पायर स्टार्टेड टू तो मॉडर्नाइज दम सेल्फ उन्होंने इसमें काफ़ी तरक्की करना शुरू कर दी थी रिफॉर्म पॉलिसीज़ जो उसने बनाई थी जिसकी वजह से उसके बहुत से लोग खिलाफ हो गए थे वो रिफॉर्म पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी और उसने जो है वो ब्रिटिश और अदर यूरोपियन अम्पायरस के साथ कैचअप करना चाहा है टेक्नोलॉजी में और जो है दूसरी चीज़ों में आ, और उसने बहुत अच्छी तरीके से उनको स्टडी किया था जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया था और कि वो किस तरह से इतनी पावर में आ गए तो ये सारी चीज़ें बहरहाल किसी भी मुल्क के लिए किसी भी फरमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अच्छा ये जो पावर्स हैं ये बेसिकली इंडिया इजिप्ट साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया मलेशिया ब सब के ऊपर यूरोपियन असर मौजूद था और हमने, हम देखेंगे किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान के इलाकों में घुस गई थी और फिर पूरी दुनिया पे इम्पीरियलिज्म और कॉलोन, कॉलोनाइज करनी थी सारी चीजें तो वो भी हम इन शह आगे जाके वहाँ के इलाकों के बारे में पढ़ेंगे लेकिन अब ये सब चल रहा था तो उसने लीगल रिफॉर्म्स बहुत अच्छे किए एडमिनिस्ट्रेटिव अद्मिन, रिफॉर्म्स किए जो है करप्ट लोगों का करप्ट जो लोग थे उनको हटाया अच्छे लीडर्स लेकर आया जो पाशास थे जो जिनके पास बहुत ज्यादा पावर थी उनकी पावर कम की गई इसी तरह से मिलिट्री में रिफॉर्म लेकर जेनेसी जेनेसरी कॉप को बेसिकली उसने डिसमेंटल कर दिया था 1836 में और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था क्योंकि जैन से शुरू के सुल्तानों को बहुत फ़ायदा हुआ फिर बीच में जैन की तपावर बहुत ज्यादा हो गई तो वही हुकूमत चलाते थे फिर बाद में उन्हीं लोगों ने रिबेलियन शुरू किया तो इस मौके पे आके अब जबकि खिलाफत का करीब है एंड अब आके इस दौर में तो इस दौर में इस लिहाज से काफ़ी बेहतरी आई कि उन्होंने जान को डिसमेंटल कर दिया था इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स कायम हुई लैंग्वेज और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट हुए, हुए जिस तरह बासिया खिलाफत ने की थी और तरक्की की थी फॉरेन एम्बेसीज यूरोपियन कंट्रीज में खोलनी शुरू की जो इवेंट्स हुए थे इसमें रशिया और फ्रांस के साथ जंग थी सऊदी ऑटोमन वॉर थी और फिर ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर थी जिसमें फाइनली फिर आ, आ, फ्रांस को शिकस्त हुई थी अच्छा अब जो है इसके बाद सु, सु, सुल्तान महमूद का जो बेटा था अब्दुल मजीद अव्वल अब ये आया सुल्तान के महमूद के बाद और इसने तकरीबन 22 साल हुकूमत की आ, इसने 22 या 21 साल और उसने जो जो सुल्तान महमूद की रिफॉर्म्स थे उनको आगे चलाना शुरू किया और बहुत से चैलेंजेस शुरू हो गए थे नेशनलिज्म की बातें शुरू हो चुकी थी और हम देखेंगे कि आखिर में चल के यंग टर्क्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो बेसिकली नेशनलिस्ट थी और जिसके जिसने फिर फाइनली तुर्की को आ, सो कॉल्ड आज़ाद करा लिया था और खिलाफत को ख़त्म कर दिया था अब्दुल मजीद ने अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू करी और उसने मोहम्मद अली पाशा के साथ को डील करने की कोशिश की लेकिन मोहम्मद अली पाशा बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुका था तो उसने इनके साथ डील पे नहीं माना और उसने सुल्तान से यह कहा कि मुझे इजिप्ट सीरिया पार्ट ऑफ टर्की ट्रिपली मुझे दे दिया जाए तो फिर मैं और और ये भी सिर्फ मे, सिर्फ मेरी जिंदगी तक नहीं बल्कि ये लिख दिया जाए मेरे नाम और मेरे जितने आएंगे ये सब उस ये वो लोग भी इसी पे हुकूमत करेंगे तो अजीब गरीब कस्म की डिमांड थी उसकी तो अभी सुल्तान इन्हीं चीजों पे सोच रहा था कि जो इंग्लैंड फ्रांस रशिया ऑस्ट्रिया एंड एंडिया जो कि बिल्कुल नॉर्थ में नॉर्थ यूरोप में उन्होंने सुल्तान से कहा कि इसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अनटिल के वो कोई प्लान बना रहे हैं अब यानी कि वो सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उससे कह रहे हैं अभी कोई जवाब देने की जरूर, जरूरत नहीं है तो उन्होंने सारे जो एलायस थे अब ये समझे पहला पहला ग्रुप बनाया जो एलायस थे कौन इंग्लैंड फ्रांस रशिया ऑस्ट्रिया और फिर ये पोलैंड और प्रशिया जो ऊपर के इलाके हैं वहां पे ठीक है अच्छा अब सुल्तान को तो पता था कि फ्रांस जो है वो जो है मोहम्मद अली पाशा से भी डील कर रहा है यानी कि वो बदमाशी कर रहा है दोनों तरफ मिलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसने सोचा कि भाई इस वक्त हमारा फायदा यही है कि इस टीम को आपस में काम करने दो तो उन्होंने पाशा को एक ऑफर दी उन्होंने कहा कि तुम सीरिया छोड़ दो और इजिप्ट के अंदर रहो और फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे तुम अपना गवर्नर ही करते रहो लेकिन बाकी दूसरे इलाकों में बढ़ने की कोशिश नहीं करो लेकिन पाशा, पाशा ने ये मोहम्मद अली पाशा ने जो है पहले भी थे लेकिन अब बाय फोर्स अपनी सबने मिल के अपनी फौजियां लाके सीरिया को आजाद करवा लिया और जब पाशा को सीरिया से अलादा किया तो उन्होंने फिर अलेगजेंड्रिया के ऊपर हमला करने की सोची कि अपनी नेवी के थ्रू अब वो अलेगजेंड्रिया को भी आजाद करा लेंगे फिर जब पाशा को ये अंदाजा हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने फिर कोई टर्म्स के ऊपर उसने सारी दूसरे एरिया से अपनी वो हटा ली इजिप्ट के अलावा और उसने कहा कि ठीक है मैं इन, इन टर्म्स के ऊपर एग्रीड हूँ ठीक है अच्छा सुल्तान जो है वो उसका जो एलाइट फोर्सेस के साथ है उसके साथ एक ट्रीटी थी और ट्रीटी क्या थी कि बॉस्फोरस और डॉ डा, इसको डॉलिस डॉलिस पता नहीं इसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं लेकिन बहरहाल यह दर्र है दानियाल है तो ये जो थे उनको जो है वो तुर्की के अलावा किसी दूसरी नेवल फोर्सेस को नहीं देगा उसके अंदर तिजारती जहाज तो आ सकते हैं लेकिन कोई नेवल फोर्सेस को नहीं देगा अगले बारह साल जो हैं वो पीसफुल थे सुल्तान ने फिर अब अपने इंटरनल अफेयर्स में रिफ़ॉर्म्स को जो उसके वालिद ने स्टार्ट किए थे उनको दोबारा से आ, इन्फोर्स करना शुरू किया और वो रिफॉर्म बहुत अच्छे थे क्योंकि वो एक दीनदार शख्स था उसने ज़्यादातर रिलीजियस रिफ़ॉर्म्स लेकर आया था जो किस्मान खिलाफत में ख़त्म हो चुके थे तो रिफ़ॉर्म्स बहुत अच्छे थे लेकिन चूंकि अब करपशन की इतनी आदत पड़ चुकी थी लोगों की कि अब वो इस रिफ़ॉर्म्स के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे थे जिनमें जैनसरीस की तरफ से भी और फिर दूसरे जो जो अमीर लोग थे वो जो है इन कुरान और सन्ना के मुताबिक जो है चलने को तैयार नहीं थे वो अपनी करप्शन

एक प्लान बनाया तो ऑटोमन लैंड्स को दोबारा से जो उन्होंने पहला प्लान बनाया था अब उन्होंने दोबारा से इसको आ, नया प्लान बनाया और उन्होंने ये कहा कि ऑटोमन एम्पायर को इस वक्त कहा कि सिक मैन ऑफ यूरोप का टाइटल दिया कि अब तो ये मरने वाला है सिक मैन ऑफ यूरोप का मतलब यही है कि अब ये बिल्कुल खत्म है मरने वाला है पूरी ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाएगी लेकिन दे ट्राइंग टू बी प्रो एक्टिव मैटर्स बिफोर ऑफ़ ऑटोमन अम्पायर यानी कि पहले से हम अपने अपने इलाके डिसाइड कर लेते हैं कि हम पावरफुल कंट्रीज हम लोग कौन सी लेंगे और कौन यानी कि यूरोप और रशिया में किस तरह से डिविजन होगा अब ये तमाम चीजों के साथ अब से जी अब्दुल मजीद के जमाने में फिर एक और इशू उठा जो कि फलस्तीन के अंदर एक नया इशू शुरू हो गया होली लैंड की उसके लिए फ़्रांस एंड रशिया जो है वो ग्रीक जो है वो राइट्स ऑफ लैटिन एंड ग्रीक चर्चेस को सपोर्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि उनका भी कंट्रोल इसी तरह हो जिस तरह से ओस्मानिया खिलाफत का है यानी कि उन लैंड्स के ऊपर और वो ये चाह रहे थे कि जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो हालांकि उस्मान के लैंड में हो लेकिन उसको उसको जो उसकी असलाह के लिए उसकी गवर्नेंस के लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों को इजाज़त दी जाए लेकिन सुल्तान इसको मान नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था कि ये लोग यू नो इसी तरह से बदमाशी से उन्होंने बाकी इलाके भी लिए हैं तो सुल्तान ने इसको नहीं माना तो 1853 में रशिया ने फिर मोलदोवा और वलाचिया जिस तरह हमने भी आ, देखा था नक्शे में और वहाँ पे हमला कर दिया और उसको कब्जा कर लिया तो फिर सुल्तान ने भी वॉर डिक्लेयर कर दी क्योंकि अब बहरहाल थोड़ा सा जो जैनसरीज की रिफॉर्म्स हुए थे और आर्मी एक नई बनी थी तो इस लिहाज से अब थोड़ी ताकत उनकी बेहतर हो गई थी उस्मानिया खिलाफत की तो उन्होंने कहा ठीक है अगर रशिया ने वहाँ अटैक किया है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लैंडस को हम अटैक कर देंगे रशियंस रशियंस को इस, इसमें हार हो गई थी और क्योंकि रिफॉर्म्स की वजह से रशियंस को भी अंदाजा हो गया था कि अब सुल्तान की पावर और ताकत बढ़ चुकी है अब इंग्लैंड और फ्रांस उन्होंने रशिया के खिलाफ अः रशिया के ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि हम उस्मान सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है मैं भी जब इसको पूरा स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी इसको फॉलो करने में कि कि मुसलसल रशिया यूरोप और ऑटोमन अम्पायर की जो ट्रीटी और लड़ाई ट्रीटी और लड़ाई चल रही है ना तो इस कुछ इसको सिर्फ एक ओवर बर्ड आई व्यू से आप देखें तो यही नजर आ रहा है कि ये जो स्स्मानिया खिलाफत चूंकि कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी और यूरोप ने ताकत पकड़ ली थी तो अब उन सब का सारे मुल्क जो हैं वो जिस तरह भेड़िए किसी शिकार के ऊपर नहीं आते कि उसी तरह से ये सब स्मानिया खिलाफत को देख रहे हैं और खिलाफत के अंदर रिबेलियंस की वजह से इनको तकरीबन यकीन है कि अब ये बहुत ज्यादा अरसे नहीं चल पाएगी एटीन में फ्रांस और इंग्लैंड ने एक अलायंस बनाया वो के साथ कि वो रशिया के साथ जंग कंटिन्यू करेंगे और फिर बाद में दोबारा से एक कंडीशन तय हुई और ट्रीटी हो गई फिर एक फिर एक जद्दा में एक इशू हुआ अब आप खिलाफत के चारों तरफ देखें जद्दा में क्या इशू हुआ कि वहां पे जो मुसलमान और क्रिश्चियंस थे वो आपस में लड़ पड़े और उन्होंने जो है वो जो मुसलमान थे उन्होंने फ्रांस के काउंसलर्स को और कुछ लोगों को और उसकी वाइफ को कत्ल कर दिया इसके ऊपर अब जस्ट बिकॉज सोचे एक का कत्ल हुआ एक या दो का और उसके ऊपर पूरा इंग्लिश फोर्सेज और फ्रेंच नेवी जो है वो कस्तूनतनिया पहुंच गई और उन्होंने डिमांड किया कि जिन लोगों ने कत्ल किया उनको इमीजिएटली एक्सिक्यूट किया जाए सुल्तान ने प्रॉमिस किया कि हाँ हम इसको करते हैं और इंसाफ कायम करेंगे लेकिन ये कि चूंकि उस जमाने में कम्युनिकेशन और ये सब इतनी ज्यादा वो नहीं थी तो वहां पे जो उसका पाशा था वो इंतज़ार करता रहा और थोड़ा सा इस डिसीज़न में डिले हुआ तो फ्रांस फर, और इंग्लैंड की फ़ोर्सेस ने जद्दा के ऊपर जद्दा सऊदी अरबिया के ऊपर हमला कर दिया बम्बार्डमेंट शुरू कर दी लेकिन ये कि फिर इस्माइल पाशा को सुल्तान ने भेजा और उसने इंटरवीन करके उन सब लोगों को जमा करके फांसी दे दी जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें तो फिर ये 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 चीज बच गई और कहा जाता है कि अगर उस वक्त पाशा नहीं पहुंचता तो ये पूरा जद्दा को जो है तबाह बर्बाद कर देते अच्छा अब एक और इशू एक इशू दूसरा क्या है कि लेबनान में वहां पे दुरूस और मैरोनाइट्स यानी मारूनी जो है वो क्रिश्चियंस थे और दरूस जो हैं ये बेसिकली समझ लीजिए कि शिया आ, जो इस्माइलीस थे उनकी तरफ से एक और फैक्शन बना था जो फिर आके लेबनान में आबाद हो गए थे तो ये लोग जो हैं इन्होंने फिर आ, आ, इनका कंट्रोल दोनों का गवर्नमेंट में काफ़ी था तो इनिशियली तो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ दोनों ने मिल फाइट शुरू की लेकिन सम किसी ने बीच में आग भड़का के ये इसको रिलीजियस वॉर बना दी और वापस में क्रिश्चिय और दरूज लड़ गए और फिर वो एक दूसरे को बहुत बहुत बुरी तरह कत्ल गा शुरू किया यूरोपियन फोर्सेस जो थी तो वो जो है जाहिर सी बात है अपने क्रिश्चियंस फेलोज को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचने लगी और फ्रांस ने सब लोगों ने मिलकर लेकिन फ्रांस ने 6000 लोगों की आर्मी जो है वो भेज दी अब ये लेबनान का मैप है और उसमें ये पॉपुलेशन दूस की बताई गई है इनशाला सवाल जवाब में अगर आप लोगों को मज़ीद सवाल हो दुरूस कौन है और मैरोनाइट्स कौन है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं इन अच्छा अहमद पाशा जो है वो सीरिया से निकल के बैरूत पहुंचा लेबनान और उन लोगों को दरूस जो थे उनको आ, उनको कत्ल किया इस, इस जो आपस में की लड़ाई में और फिर उसने अपने ऑटोमन अम्पायर के जो लोग थे जो कि शामिल हो गए थे दुरूस के साथ क्रिस्चन के कत्ल में उसने उनको भी तकरीबन एक सौ ग्यारह फौजियों को कत्ल किया तो इस लिहाज से तो फिर मैं, जो फ्रांस ने फिर अटैक नहीं किया इनके ऊपर एटीन सिक्सटी वन में सुल्तान अब्दुल मजीद जो है उसका इंतकाल हो जाता है और फिर उसका भाई अब्दुल अजीज़ जो है वो नेक्स्ट सुल्तान बन जाता है सुल्तान मजीद का जो एरा है और वो बेसिकली चूंकि महमूद महमूद ने जो एरा शुरू किया था उसके बाद का जो जो रिफॉर्म्स हैं जो रिफॉर्म शुरू की थी वो उसने कंटिन्यू की थी तो इसकी वजह से खिलाफत को मजीद थोड़ी ताकत मिली थी जिससे वो आगे बढ़ रहे थे अब इन सिर्फ दो तीन मिनट और हैं तो अगर आप लोग प्लीज भी यानी कि हमारे साथ रहिए क्योंकि ये यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि अगली क्लासों से कनेक्टेड होंगी अब्दुल अजीज आया अब्दुल अजीज ने पंद्रह साल हुकूमत की अब्दुल अजीज़ कौन था महमूद का दूसरा बेटा था यानी अब्दुल मजीद का भाई था अब्दुल अजीज ने पंद्रह साल हुकूमत की और उसने मॉडर्नाइज वही 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 सारी पॉलिसीज चलाई लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट और रिसोर्स वगैरह को सही से नहीं हुए तो फिर रेबेलियन शुरू हो गए और सिचुएशन की वजह से उसे मार दिया गया था लेकिन ये कि जो फाइनेंशियली जो है अब यूरोप मिल के अब उस्मानिया खिलाफत को फाइनेंशियली डाउन कर रहा है क्योंकि इनको जब बहुत ज़रूरत थी तो उनको कुछ पैसे लेने पड़े थे और फिर वो जो हुंडी का कारोबार होता है पाकिस्तान और इंडिया में होता है कि जो इलीगल तरीके से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसकी सुल्तान ने इजाज़त दे दी थी जिसकी वजह से लोन्स बहुत बढ़ गए और पैसा की कोई कंट्रोल नहीं रहा तो उस वजह से इकनॉमिकली ऑटोमन अम्पायर

जिस पे भी रेडी थे कि हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को छोड़ के रोमन कैथलिक रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन अब रशिया को इसके ऊपर बहुत गुस्सा तो था तो उसने फौरन से उनको बहुत ज्यादा पैसे दिए और उसने कहा कि नहीं हम तुम्हारी चर्च बनवाएंगे और तुम ऑर्थोडॉक्स ही रहो तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अच्छा यूरोप और तुर्की से जो लोग पढ़ने जाते थे रशियन यूनिवर्सिटीज में और जब वापस आते थे तो उनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी हो चुकी होती थी जिस तरह से आजकल होता है कि जब हमारे मुसलमान मुल्कों से या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जब स्टूडेंट्स अमेरिका कैनेडा इंग्लैंड पढ़ने आते हैं तो हाउ उनकी ऐसी तरबियत हो जाती है तैसी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है कि फिर वो अपने ही ममालिक में जाके हमारी जो अच्छी इस्लामिक हुकूमतें होती हैं या मुसलमान लोग आ, जो रिफ़ॉर्म्स लाना चाह रहे होते हैं उनके खिलाफ बहुत बुरी तरह से वो रिबेल कर जाते हैं अब्दुल अजीज जो है वो फिर थोड़ा सा जब उसने ये देखा कि हर चीज़ में गड़बड़ चल रही है तो उसने उसने क्या किया कि फिर वो भी याश हो गया फिर उसने भी यू नो अपने अपने मर्जी की चीजें बनानी शुरू की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई अपनी अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने लगा इकोनॉमिकल इकनॉमिकल कंडीशन और ख़राब होने लगी और वो लोन्स अपने वापस नहीं कर रहे थे तो वो बिल्कुल ही पा, अंडर पावर आ गए लोगों के सुल्तान बहुत अनपॉपुलर हो गया था तो जो बहुत से अभी तक लॉयल आटोम रह गए थे उन्होंने सोचा कि सुल्तान को अब डिपोज इसको माजूल करना पड़ेगा और उन्होंने अपने ग्रैंड मुफ्ती से उसके लिए फतवा लिया और फिर 1876 में उन्होंने सुल्तान अब्दुल अजीज को माजूल कर दिया अच्छा मुराद पंजुम जो ये सिर्फ तीन महीने के लिए आया यानी कि थ्री डेज के लिए वो अब्दुल मजीद का बेटा था और उसको डायबिटीज़ भी थी और हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं थी <coughs> और उसके साथ साथ जब वो पावर में आया तो उसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कुछ आसाबी बीमारियों का शिकार हूँ या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और मुझे कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए तो उसकी मेडिकल हेल्प शुरू हुई लेकिन इसके साथ साथ दो वाक़ात ऐसे हुए और इन फिर हम ख़त्म करेंगे दो वाक़ ऐसे हुए जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली जहनी तौर पर बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं रहा एक तो ये कि सुल्तान अब्दुल अजीज जो जो इससे इससे पहले पहले था था इसका इसका भाई सॉरी इस वो उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो इतना की है दूसरी चीज़ ये हुई कि एक आदमी था उसने जो अब्दुल अजीज कर का बदला लेने के लिए वो एक कैबिनेट मीटिंग जो हाईलीफिशल वहाँ बैठे हुए थे पाशाश थे वो वहाँ दाखिल हुआ और उसने तारीख में आता है कि उसने कुछ तीन चार गने लोड करके रखी हुई थी और उसने फिर बहुत से लोगों को वहां पे मार दिया तो अब ये दो वाकयात थे जिसने उसकी कंडीशन को बहुत ज्यादा वर्स, वर्स उसकी कंडीशन बहुत वर्स हो गई और फिर जो म्यूचुअल अग्रीमेंट हुई दोबारा से पाशाश की और दूसरे लोगों की और उसकी माजूली हो गई यानी उसको भी डिपोज कर दिया गया और ये सिर्फ नाइनटी थ्री डेज के दिन के अंदर हुआ इनशाला इसके आगे फिर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से सुल्तान अब्दुल आ, आ, हमीद आया सुल्तान हमीद टू और फिर उसने किस तरह से संभालने की कोशिश की और वो फिर एक आखिरी सांस थी आखिरी हिचकी थी जो हम कह सकते हैं लेकिन उसने काफ़ी साल हुकूमत की और फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसको किस तरह से एग्जाइल कर दिया गया अगले हफ्ते इन ताला आ, हम इसको कंटिन्यू करेंगे लेकिन अगले हफ्ते जो एक, एक स्पेशल सेशन है जिसको आप बोनस सेशन कह सकते हैं हमारी क्लास का आसिम जावेद जो हैं वो सूफीजम के ऊपर बात करेंगे यासिम जावेद वही हैं जिन्होंने अलहमदिल्ला मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है पूरा तस्कियत नफ्स के हमारे लिए सात आठ छः सात सेशंस किए थे तो आप लोग वो अपना जहन में थोड़ा रख लीजिए तस्कियतुल नफ्स के टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए उसके जितने सेशन हैं सब यूट्यूब पे अपलोडेड हैं और आप लोगों के पास लिंक्स मौजूद हैं क्योंकि फिर उसी से फिर ये चीज़ें कनेक्टेड है वहाज़िम के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा तो टच दे दिया था लेकिन मोस्ट ऑफ़ द्लास अगली दफ़ा आसम ने यही रिक्वेस्ट किया है कि ये चूंकि टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड uh, भी है और डिटेल भी है तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उसको थोड़ा सा थोड़ा सा डिटेल में जाके क्योंकि आज दुनिया में जो इख्लाफा पाए जाते हैं वो बेसिकली सूफ़ीज़म और उसके अगेंस्ट पाए जाते हैं तो हम देखेंगे कि सूफ़ीज़म है क्या हमारी ये क्लास एक तारीख इस्लामिक हिस्ट्री की क्लास है तो इन शाह हम कोशिश यही करेंगे कि बग़ैर किसी चीज़ की साइड लिए एटलीस्ट आपको लोगों को पता हो कि सूफीज़म क्या है वहाबीज़म क्या था सलफिज़म अब जो शुरू हो गया वो क्या है और ये तमाम चीज़ें आपस में किस तरह से हैं किस कहाँ से शुरू हुई इसकी तारीख क्या है तो हम इनशा तारीख के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर इन सवाल जवाब में फिर आप लोग ओपिनियन पूछ सकते हैं हमारा भी और अपना भी ओपिनियन बता सकते हैं ताला। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है पाँच मार्च की आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू टू बी देर इनशा अब हम सवाल जवाब ले लेंगे आज की क्लास के लिए तो आज के लिए फिर इतना ही इनशा अल्लाम वरम वक्